करेंगे जिनका भी सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल 2023 में एलडीसी की पोस्ट पर किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर हुआ है, उसमें मेडिकल का क्या प्रोसीजर रहता है, सारी मिनिस्ट्री के अंदर मेडिकल का जो प्रोसीजर रहेगा एक जैसा रहेगा, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कहाँ टेस्ट होता है, क्या मेडिकल में भी फेल किए जाते हैं, अगर मेडिकल में फेल होते तो क्या नौकरी चली जाती है, जो ऑलरेडी जॉब में है, जो पहले से किसी एमटीएस की पोस्ट पर या किसी दूसरे नौकरी में है, क्या उनको भी दोबारा से मेडिकल करवाना पड़ता है, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर रहेगा। हर एक पॉइंट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप यहाँ मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर ट्विटर पे आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, जो लोग भी सुन रहे होंगे, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे ट्विटर प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, ट्विटर पे जरूर आप फॉलो करिएगा, बिकॉज कि इस पूरे वीडियो का डिटेल आर्टिकल मैं वहाँ पोस्ट कर दूंगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। कोई सवाल पूछना हो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा। और कोई पर्सनल कोई ग्रीवेंस होगी आपकी कोई पर्टिकुलर मेडिकल बीमारी को लेकर के, आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मेडिकल टेस्ट होता कब है, किस टाइम पर, ये पूरा जो फेज है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे ज्वाइनिंग का, इसमें किस स्टेज पर होता है। तो जो आपको एलडीसी की पोस्ट मिली है, कोई भी मिनिस्ट्री अगर हम बात करें, तो उसमें जनरली आप दो स्टेज में देखोगे। कुछ मिनिस्ट्री के अंदर पहला जो मैं बता रहा हूँ स्टेज उसमें होगा, कुछ वाले में बाद में होगा। तो पहला जो तरीका होता है कि जब आपको अटेस्टेशन फॉर्म रिसीव होगा, या तो आपको मेल के थ्रू आए या बाई पोस्ट के थ्रू आए, तो उसी अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर मेडिकल का फॉर्मेट लगा हुआ मिल जाएगा। तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अपना मेडिकल बनवा के लेके जाना रहेगा। कुछ मिनिस्ट्री के अंदर ये मेडिकल का फॉर्मेट अटेस्टेशन फॉर्म के साथ नहीं भेजेंगे वो, तो उस केस में आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, देन उसके बाद आपको मेडिकल करा के उनको भेजना पड़ेगा और तब आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो कुल मिलाकर के ज्वाइनिंग से पहले आपको मेडिकल का फॉर्मेट सबमिट करना होता है। बात कर लेते हैं कि ये क्या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अपने तरफ से करवाता है, क्या आपको वो हॉस्पिटल में लेके जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जो मेडिकल होता है आपका, आपके जब एड्रेस पर या आपको मेल के थ्रू जब फॉर्मेट मिलता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करा लेते हैं, उसके बाद जब आप डीवी कराने जाएंगे तो या तो आपको साथ में ही वो मेडिकल का फॉर्मेट दे देंगे या डीवी के बाद आपको भेजेंगे मेडिकल फॉर्मेट। तो जो मेडिकल फॉर्मेट आपको मिलेगा उसको आपको लेकर के अपने जो जिला अस्पताल होता है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होंगे वहाँ पर जहाँ पर सीएमओ बैठते हैं वहाँ आपको जाना होगा और वहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर वहाँ जाकर हम कैसे किससे मिलना होता है। तो जब आप जाएंगे वहाँ पर, तो सबसे पहला काम जब आप जिला अस्पताल में जाएंगे तो आप किसी से जो भी वहाँ पर काम कर रहे होंगे आप ये पूछ सकते हैं उनसे कि सीएमओ कहाँ बैठते हैं, सीएमओ का ऑफिस कहाँ पर है। तो जनरली जो जिला अस्पताल होता है उसी के बगल की बिल्डिंग या फिर पास में ही कोई ऑफिस उनका रहता है। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो उनके पीए से, खासकर जो पीए रहते हैं वो या तो स्टेनोग्राफर रहते हैं या पर्टिकुलर उनकी खुद की पोस्ट अगर कोई निकली होगी तो पर्सनल असिस्टेंट से उनके मिल लीजिएगा और आप उनको बता दीजिएगा कि आपकी नौकरी सरकारी नौकरी लगी है, केंद्र सरकार में ये मिनिस्ट्री के अंदर लगी है और आपको मेडिकल टेस्ट बनवाना है। उससे पहले क्या करिएगा कि जब आप जाएंगे जिला अस्पताल में तो वहाँ एक पर्ची कटती है। जब भी आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो एक आपको एक रुपये की दो रुपये की पर्ची लेनी पड़ती है, देन आपको जो भी इलाज जिस सेक्शन में जाना है, जो भी टेस्ट के लिए आप वहाँ जाते हैं, तो वो पहले जाकर के आप पर्ची ले लीजिएगा एंड देन आप जो पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है आपका सीएमओ का, उससे आप मिलेगा। जब आप उनसे मिलेंगे और बताएंगे कि आपका ये है, कई बार तो वो समझ नहीं पाते कि क्या है कैसे नहीं है। जब आप वहाँ जाएंगे तो बहुत तरह के डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए लोग लगे रहते हैं, कुछ स्कूल के बच्चे रहते हैं, तो कई बार उनको समझ में दिक्कत आ सकती है। आप उनको बता दीजिएगा साफ साफ कि आपकी सरकारी नौकरी लगी है और आपको मेडिकल करवा करके डिपार्टमेंट को भेजना है। जो आप पर्ची एक रुपए की लेके जाएंगे उनको देंगे, उसी पर्ची पर वो कुछ टेस्ट उनका जो पर्सनल असिस्टेंट होता है वही लिख देता है, 8-10 टेस्ट लिख देगा कि आप इन इन सेक्शन में जा करके इन डॉक्टरों से आप अपना रिपोर्ट करवा के ले आइए, देन आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि उसमें लिख दिया ब्लड का, हड्डी का लिख दिया, आँखों का लिख दिया, स्किन का लिख दिया, ENT लिख दिया, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन होता है। जब सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो अलग अलग बना रहता है, तो वहाँ पर आप जा करके, जैसे मान लो आँखों का लिख दिया उसने, तो आँख वाले सेक्शन में जाओगे आप, वहाँ डॉक्टर बैठा रहता है। इस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आप जल्दी पहुँच जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जो रहते हैं जनरली सुबह ही मिलेंगे आपको 10 से 12 के बीच में, तो आप अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे पहुँच जाइए। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे वहाँ पर, तो क्या होता है जनरली, कई आप पता है सरकारी अस्पताल का कैसे टेस्ट रहता है, लेकिन सभी जगह का ऐसा नहीं है। कई सारे कैंडिडेट मुझे बताते हैं कि सर उनका प्रॉपर तरीके से चेक हुआ, तो वो आपके आँखों का टेस्ट करेगा, जो भी आपसे पढ़वाएगा और जो भी रिपोर्ट होगा वो आपके पर्ची पे वो लिख देगा। इसी तरह से आप ब्लड वाले सेक्शन में,
आप हड्डी वाले के लिए, स्किन वाले के लिए, ईएनटी वाले के लिए सभी सेक्शनों में जा करके अपना टेस्ट उनको बोलेंगे कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब के लिए है और आपका ये टेस्ट कंडक्ट करवाना है। तो वो कई बार क्या होता है कि ब्लड नहीं निकालते हैं, कुछ जगहों पर अस्पताल में ब्लड निकालते हैं, और वो डिपेंड करता है जगह जगह पर। तो जब ये पूरा आप करा लोगे, जो भी टेस्ट उस पर्चे पर लिखा रहेगा, और उस कागज़ को ले जा करके जब आप उनको देंगे, उनके पर्सनल असिस्टेंट को, उसी के आधार पर वो आपका कागज़ जो मेडिकल वाला फॉर्मेट है वो बना देंगे, जो आपको डिपार्टमेंट दिया रहता है। उसकी दो कॉपी रहती है, एक कॉपी वो आपको बना करके दे देंगे, एक ऑफिस कॉपी, मतलब एक अपने पास वो रखते हैं जब क्रॉस वेरिफिकेशन रहता है, तब जो दूसरी कॉपी है वो क्रॉस वेरिफिकेशन के टाइम पर काम आता है। अब बात करते हैं कि क्या मेडिकल टेस्ट में वो दिक्कत करते हैं। तो देखिए, अभी जितने भी डिपार्टमेंट अगर हम बात करें जो इसके थ्रू है, तो कोई बहुत ऐसा डिटेल आपका मेडिकल नहीं होता। जैसे सीबीआई की बात करें या फिर हम एनआईए की बात करें, तो इतना डिटेल आपका मेडिकल नहीं है। कोई ये डिफेंस की या पुलिस फोर्स की जॉब नहीं है आपकी, तो बेसिक टेस्ट होते हैं, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मेडिकल को लेकर जो जो इशू होगा, आप कमेंट सेक्शन में या ट्विटर पर पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिएगा। हर एक बीमारी अगर मैं कवर करूं जो मुझे पिछले सालों में कैंडिडेट ने पूछे, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बस आप ये जानने कि कोई भी ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, बस ये होता है कि चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक दो दिन आपका अस्पताल में जाएगा कि यार कौन से सेक्शन में भाग दौड़ करनी है, कई बार वो बैठा नहीं बैठा, राइट, कई बार वो मना कर देगा, तो दो तीन दिन का टाइम आपका लगता है, लेकिन बन जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर क्या मैं अभी से बनवा लूँ क्या, क्योंकि अभी तो टाइम है आगे, मैं खाली बैठा हूँ। तो देखिए, अभी क्या है कि आपको फॉर्मेट नहीं मिला है। अगर आप लास्ट ईयर का अगर अपने डिपार्टमेंट का फॉर्मेट निकाल के डाउनलोड करके बनवा लेते तो वो ठीक नहीं रहेगा। जब आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिल जाएगा देन आप तब बनवाइएगा। बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस टाइम पर इलेक्शन वगैरह है या फिर कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है, तभी आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लेट भी बनवा के देते हैं तो कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं। बात कर लेते हैं कि जो लोग ऑलरेडी नौकरी में है, तो देखिए उसका रूल ये होता है, डीओपीटी का गाइडलाइन ये कहता है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है और आप अगर एक साल की सर्विस के अंदर छोड़ करके दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका मेडिकल नहीं होता है। लेकिन अब ये जो डीओपीटी का रूल है, मैं बता दूं आपको कि यार डिपार्टमेंट ये नहीं मानती है, बहुत सारे मिनिस्ट्री है जो ये होते हुए भी आपका मेडिकल दोबारा से करवाती है। तो मान के चलिए कि सभी को मेडिकल करवाना पड़ेगा जो जॉब में ऑलरेडी है, और जो नहीं है उनको तो करवाना ही है। अगर आप नहीं करवाना चाह रहे हैं और अगर आपको अभी रिसेंट एक साल से कम समय हुआ है किसी मिनिस्ट्री के अंदर, तो आप डीवी के टाइम पर उनको बोल सकते हैं कि सर आप ऑलरेडी जॉब में हैं और वहाँ का जो मेडिकल आपने जो सबमिट किया होगा वो आप ला करके यहाँ पर दे सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या ये क्रॉस वेरीफाई होता है। बहुत सारे लोग मुझे, जब मैं पोस्ट प्रेफरेंस कवर करता हूँ उसके बाद भी बहुत सारे कॉल्स और मैसेज के थ्रू पूछा जाता है कि सर क्या ये डिटेल में चेक करवाते हैं कि जहाँ से हमने बनवाया है। तो देखिए, दो कॉपी होती है, एक वो आपको दे देंगे, वो एक अपने पास रख लेंगे। कहीं भी आप कोई भी कागज़ बनवाते हैं तो दो कॉपी आपको रहती है। जब आप ऑफिस में भी काम करेंगे, आरटीआई का रिप्लाई हो गया, सीपीग्राम का रिप्लाई हो गया, कोई ऑफिस का रिप्लाई हो गया, तो उसकी दो कॉपी रहती है, एक भेजी जाती है और एक अपने पास रिकॉर्ड में रखी जाती है। तो जब आप अपनी कॉपी जमा कर देंगे, इनको मेडिकल का जो कागज़ है जब आप मिनिस्ट्री को जमा कर देंगे, तो ये मिनिस्ट्री उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जहाँ से ये बना रहता है उस जिला अस्पताल को भेजती है। ये आपको नहीं बताया जाता, ये डिपार्टमेंट का प्रोसीजर रहता है। और ये जब वहाँ भेजेगी सीएमओ को, तो वो उसमें अपना लेटर ये लिख के भेजती कि क्रॉस वेरीफाई करिए, ये चेक करिए या ये सत्यापित करिए कि क्या ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई, ये जो ये क्या ये मेडिकल का कागज़ आप ही के यहाँ से बना हुआ है। तो वो फिर उसी के रिकॉर्ड के आधार पर उस पर एक फाइल नंबर पड़ा रहता है, वो देख करके, और फिर वो सीएमओ ऑफिसर रिप्लाई चला जाता है। तो वो क्रॉस वेरीफिकेशन होता है, वो आपको पता नहीं चलता है। जब वो क्रॉस वेरीफिकेशन हो जाता है तभी आपका प्रोबेशन कंप्लीट माना जाता है। दो साल की जो सर्विस होती है आपकी, वो प्रोबेशन रहती है। वो पूरी कंप्लीट करने के लिए क्राइटेरिया यही रहता है कि आपका मेडिकल वाला फॉर्मेट, आपका कैरेक्टर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये क्रॉस वेरीफाई होना जरूरी है। क्रॉस वेरीफिकेशन का क्या मतलब है, जो मैंने अभी बताया आपको। तो जब ये हो जाएगा देन आपका कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ, आप दो साल के बाद कंफर्म एम्प्लॉय उनके हो गए हो। बाकी और कोई बारीक डिटेल जाननी हो आपको, आपसे रिक्वेस्ट हो गया, पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। ट्विटर पर आप ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैसेज बहुत ज़्यादा रहते हैं और YouTube कमेंट में भी मैसेज आते रहते हैं। आप ट्विटर पे अभी उतनी भीड़ नहीं है, तो अगर आपके बहुत अर्जेंट सवाल होगा तो मैं वहाँ पर ज़रूर आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा।